और मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि मुंबई ब्लॉग एक बनेगा, दो बनेगा, कितने बनेंगे, आई हैव नो क्लू, बट आवर एक्सपीरियंस हैज बीन सो ग्रेट. लिटरली कल पूरा दिन तो हमने सोते हुए निकाल दिया, एंड टुडे इज आवर लास्ट डे एक्चुअली मुंबई में, एंड वी आर गोइंग टू सिद्धिविनायक मंदिर, देन वी आर गोइंग टू आई थिंक जियो वर्ल्ड अगर टाइम मिला, देन आई थिंक वी आर ऑल, देन आई थिंक वी आर गोइंग टू कोलाबा, वी आर ऑल्सो गोइंग टू मरीन ड्राइव, और पता नहीं क्या क्या जो भी बचा कुचा है ना, हम सब करके जाने वाले हैं आज होपफुली, क्योंकि हमारी फ्लाइट एक्चुअली रात की है, एंड यहाँ पे हम क्लोक रूम में अपना सामान वामान रखे जाएंगे. बट अभी मैंने मंगाया है वड़ा पाव येट अगेन, क्योंकि भाई इस बार तो अलग ही हो रहा है, इस बार मेरी बहन पागल हो रही है वड़ा पाव के पीछे. आई वॉज ऑलवेज क्रेजी, नाउ शी इज लाइकिंग इट. एक ये चीज बहुत अच्छी है कि हमारे होटल विंडो से क्लियरली दिखता है कि हमारा जोमेटो का ऑर्डर कहाँ पहुंचा है. सो आई एम प्रीटी श्योर भैया आने ही वाले हैं. ओह ही इज हियर. रोज सुबह वड़ा पाव खा रहे हैं भाई हम, इतने अमेजिंग मिलते हैं ना यहाँ आसपास. इनफैक्ट इस बार एक्चुअली हमारा खाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिफरेंट रहा है मुंबई में. मतलब नॉट गोना लाई, पिछली बार जब हम आए थे 2019 में ट्रिप के लिए, इट वाजंट गुड, एंड वही इंप्रेशन था मेरे दिमाग में, बट दिस टाइम एवरीथिंग वाज अमेजिंग. ओह मैन, आई एम गोना मिस दिस दिल्ली जाके यार. मतलब वड़ा पाव मिलता है, बट एक्सक्यूज मी सर, सर 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 सर, ये बन और ये कुछ, मतलब अलग ही डाल रहे हैं यार ये. यार why is this so good? मतलब इतना spicy है, लेकिन फिर भी I love it so much. And we are done packing, सब कुछ हो गया है, finally हम निकलने लगे हैं. So let's go. पहले हम जा रहे हैं actually now Jio World, because that's nearby. And उसके बाद सीधे सिद्धिविनायक मंदिर जो कि उस साइड है. ये मैं इधर ऐसे पॉइंट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि as far as I know जैसे like अंधेरी यहाँ है, तो ऐसे वो वर्ली सीलिंग होते हुए वहां से जाएगा. भाई मुंबई याद हो गया मेरे को, I cannot believe this. मुझे कुछ साल पहले तक दिल्ली याद नहीं था, अब मुझे मुंबई भी याद हो गया. फाइनली हम पहुंच चुके हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव, एंड दिस इज मैसिव एक्चुअली. लेकिन यहाँ पे दो तीन है एक्चुअली, ड्राइव है, जियो वर्ल्ड प्लाजा है और वो करके. बट मेरे को एड मोमेंट में याद आया ऊबर बुक करते हुए कि हेलो यहाँ पे बहुत ही पास में एप्पल स्टोर है और वो इसी में है. सो वी आर गोना वॉक टू द एप्पल स्टोर. ऑल्दो खरीदना कुछ है नहीं, देखो भैया खरीद तो हम आए तो खरीदना था, हमें दुबई से कुछ भी नहीं खरीदा, बट ऐसे जाके हल्का फुल्का चक्कर मार सकते हैं आई गेस. I cannot believe exactly जो चाहिए था वो मिल गया. वो मिल गया. If you haven't seen her Dubai snacks का video, you should check this out. कि भाई ये best biscuit दिखे थे हमें दुबई में, and I can't believe ये यहाँ मिल रहे हैं. समझ नहीं आ रहा कि प्राइम को एक और शॉट देना चाहिए या बहुत रिस्की है. ओके मैं दूर से सोच के आया था कि ये बड़ा एस्थेटिक लग रहा है, बट ये थोड़ा नहीं लग रहा है, ये कुछ ज्यादा ही उलझ गया ऐसा लग रहा है. वैसे भी डोंट लुक परफेक्ट, हम तो ऐसे ही ऐसे कपड़ों में आए हैं जिससे सीधे एयरपोर्ट में कंफर्टेबली जाके बैठेंगे. जी दो दिन जीन्स में चलना क्या पड़ जाए भाई, रैशेज हो जाते हैं. Ooh, this mall has quite nice washrooms. ये कितना सुंदर है एप्पल बी के सी. ऑल्दो आई हैव टू से कि फोटोज वगैरह पे मुझे भी लग रहा था बहुत मैसिव है. इट इज मतलब बिग, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मैसिव है. और आयरोनिकली हम दिल्ली वाले स्टोर में अभी तक नहीं गए हैं, और पहले यहाँ मुंबई और बी के सी वाला स्टोर देख लिया हमने. वैसे कुछ लेना वेना नहीं था, तो मैं बहुत जल्दी से हल्के से सीट रिकॉर्ड करके आ गया, क्योंकि इट वाज गेटिंग ऑकवर्ड, एंड ऑल्सो दे वर आस्किंग कि डू यू नीड हेल्प सर, डू यू नीड हेल्प सर, डू यू नीड हेल्प सर, एंड आई वाज लाइक नॉट रियली बट थैंक्स. चलो फाइनली हमारी कैब आ गई है. Now we're gonna go to Siddhivinayak Mandir. And हम ये सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंच गए हैं. Wow, this is so nice. A few minutes later. So we just came out. Actually, अंदर videography तो allowed होती नहीं है, but it was such a nice दर्शन. तो यहाँ से we are buying मोदक. बिल्कुल राइट आउटसाइड द मंदिर. और ये गाइस इस लड़की को फाइनली मिसल पाव मिल गया है. ट्राई करो. नेवर ट्राइड इट. लुक्स सो गुड.
और ये हमने लिया कोकम शरबत पहली बार. What? क्या हुआ? I told you. इसीलिए. So that was like liquid hajmola. So. Okay, मैंने सिर्फ मारा, मेरे को तो सही लगा. हाँ, इसको सही सही लगती है चीजें, मुझे नहीं लगती. So I'm gonna try this. Yeah. है ना? It's like pav bhaji only. Spicy. Yeah. And apparently, guys, it was an acquired taste. So हमने और पाव मंगा लिया because now we like it. And our pav bhaji is here. Butter. ओ भाई सही में बहुत बटर है. और ये तो कह रही है इसको ऑलरेडी वेट कर गया. मेरा फुल हो गया भाई, हम दो एक्स्ट्रा पाव खा लिए. नहीं खाने चाहिए, अब लग रहा है क्योंकि मैं नहीं खत्म कर पाऊंगा, मेरा भी पेट भर रहा है. कोई नहीं, खा ले. बाजी लोग हैं बटर में ना. ओ माय गॉड. सो हमने खा पी भी लिया है एंड दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए गणेश जी के. एंड नाउ वी गोना गो गेटवे ऑफ इंडिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है वो ना सनलाइट के बाद सही नहीं लगेगा, जबकि मरीन ड्राइव तो हम उसके बाद भी जा सकते हैं. तो वी आर गोना क्विकली गो टू गेटवे ऑफ इंडिया. व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब मैंने रियलाइज किया कि यहाँ पे ऐसे बस स्टैंड के लिए बहुत लाइन सी लगी होती है, राइट? सो हम फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच चुके हैं. भाई इसको तो आ रही है सॉलिड नींद, मुझे भी आ रही है थोड़ी बहुत, थकान हो रही है बहुत दिनों की एक साथ, लेकिन कोई नहीं, अब बस ये देख के वी गोना गो. सो मत. दिस इज सो सुंदर और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त. तो यहाँ पे भी खाने पीने का काफी कुछ है, बट वी आर लाइक टू फुल, बहुत पेट भर गया है. वरना है तो ऑप्शंस यहाँ पे भी. ओके, सो अभी ना हमारे टैक्सी वाले अंकल वॉशरूम गए, तो मैं ये बोल ही दूँ यहाँ पे कि यार मेरे को ना टैक्सीज का समझ नहीं आया, मतलब कभी यू फाइंड सच टैक्सीज एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव. मतलब 3 किलोमीटर के 120 रुपए ले रहे हैं, और ऊबर पे कुछ आ ही नहीं रहा था वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया पे. अगेन बहुत भीड़ भाड़ थी. मे भी कभी ऐसा होता है कि हम पूरे कॉन्सर्ट तक पहुँच गए सिर्फ 350 रुपए लगे, लेकिन वापस आते हुए वो 1100 रुपए दिखाता था. चलो वो तो एक्सेप्शन है क्योंकि ऑब्वियसली उस दिन बहुत भीड़ हो गई थी, बट सच में तो मेरे को थोड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऊबर के प्राइसेस कभी कम होते हैं, कभी ये लोग कम लेते हैं. हाँ, एक बार ऑटो से हुआ हमको कि ऑटो वाले ने हमसे ज्यादा पैसे लिए एज कम्पेयर टू वट वी आर गेटिंग ऑन ऊबर. आई डोंट गेट इट, देखो समझ ही नहीं आ रहा है. भाई दिस इज सो थेरेप्यूटिक. मतलब भाई आई हैड हर्ड कि ये बहुत कामिंग होता है यहाँ पे मरीन ड्राइव पे बैठना, बट आई डिडंट थिंक इट विल बी दिस पीसफुल. भाई तो मेरी बहुत फट रही है यहाँ पे वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ये बिल्कुल स्टोन्स एकदम नीचे और ये बहुत गहरे हैं, और अगर फोन गिर गया तो मैं ला नहीं पाऊंगा वापस. तो एकदम अंधेरा हो गया भाई, दिस वाज सो पीसफुल. 1.5 घंटा ऑलमोस्ट कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. नाउ इट्स ऑलमोस्ट 8, वी आर गोना गो टू द होटल. हाँ, फिर वहाँ से अपना सामान वामान उठाएंगे, जल्दी से जाएंगे एयरपोर्ट, एंड फिर एयरपोर्ट पे हम वेट करेंगे बहुत देर, क्योंकि अगेन मुझे 3 घंटे पहले पहुँचाया जा रहा है एयरपोर्ट. सो डिड यू लाइक दिस भाई? ओह माय गॉड, दिस वाज ब्यूटीफुल. इतना सीरीन, शांत, सो गुड. मजा आ गया, मज़ा, नींद भी आ गई ऑल्दो बहुत ज़्यादा, लेकिन वो तो हमें पहले से आ रही है. सो अगेन हमें यहाँ पे ऊबर करनी पड़ेगी, एंड इट इज शोइंग 700 रुपये टू आर होटल. भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या रेट चल रहा है, कैसे अपने आप बढ़ जाते हैं, अपने आप कम हो जाते हैं, आई डोंट नो. अब बस जाना ही पड़ेगा भैया, अब घर तो जाना ही है, क्योंकि यार इनका सही है, देखो ये रात को मैच देख रहे हैं अपनी छत पे मस्त, इतनी बड़ी प्रोजेक्टर लगा के.
जस्ट चेकड आउट, हमने अपना लगेज उठा लिया है, ऑटो कर लिया है, खाना भी पैक करा लिया बिकॉज वी लव्ड दोस बोल्स एंड आवर ऑटो इज हियर. And we are here. 5 minutes लगे भाई ये चलो. अच्छा फायदा है कि होटल पास में था तो now we're at T1. So this was really nearby and this was quick. So बस अब जाके अपना सारा प्रोसेस कराएंगे एंड देन we're gonna sit for 3 hours. वैसे होटल में भी बैठना ही था, हमने लॉबी में और कहीं और भी बैठते हैं हम कहीं, जैसे पहले सोच रहे थे कि एक्चुअली वो नहीं है क्या था मरीन ड्राइव पे कोई CCD में जाके बैठते हैं, वहाँ भी बैठना ही था तो आई वाज लाइक कि भाई यहीं बैठ जाते हैं आके. भाई सॉलिड नींद आ रही है, वो तो शुक्र है ये रिक्लाइनर्स मिल गए हैं यहाँ पे. नाउ वी आर वेटिंग बैगेज वगैरह देने के लिए बिकॉज अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है कोई प्रोसीजर. ज़्यादा जल्दी आ गए, याद रखना है अगली बार ज़्यादा ही जल्दी भेज दिया भैया हर जगह से मेरे को. अब नहीं निकलूंगा, अब याद, अब मैं अपने हिसाब से निकलूंगा. अच्छा दैट वॉज द क्विकेस्ट सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह ऐसे ही जल्दी से मतलब सब हो गया. इनफैक्ट इतना टाइम वेला है हमारे पास, किसी ने कपड़े वपड़े भी चेंज कर लिए, सब हम आराम आराम से कर रहे हैं एंड स्टिल अभी भी हमारी फ्लाइट में कितने 2 घंटे हैं पूरे पूरे. सो अब हम बैठ के यहाँ झक मारने वाले हैं. चलो भाई झक मारो, झक भी तो नहीं आ रही, एक्चुअल नींद तो आ नहीं रही ना. Two thousand years later. So guys, बस हमारी फ्लाइट का टाइम हो ही गया था, सारे लाइन में लग गए थे एंड दे टेल अस दैट इट इज 20 मिनट डिले, जो आई होप 20 मिनट ही हो, वो कर करके बढ़ाते रह रहे क्योंकि इससे पिछली वाली स्पाइस जेट वॉज लेट बाय लाइक 3 hours. तो आई एम जस्ट होपिंग दैट डजंट हैपन. सो हमने यहाँ पे अपने चिप्स और असॉर्टमेंट लगा लिए, हम ये चीज़ तो अपनी ये जियो वर्ल्ड से खरीद के लाए थे, सो इट इज़ अ परफेक्ट कॉम्बो. अब हम यहाँ पे नाचोस एंड चीज़ खाने वाले हैं. सो फाइनली एट ऑलमोस्ट 2 इट हैज स्टार्टेड. इतना हो चलता है, नॉट दैट बैड, 20 मिनट ही हुआ है, आधा घंटा. डिले का कुछ तो फायदा हुआ है. एक्चुअली हम लोग दुबई से कोरिएंडन एयरलाइंस में ही आए थे जो इनका टाइप है स्पाइसजेट के साथ और हमें वो एयरलाइन मिल रही है. तो हम जो सोच के आए थे कि स्पाइसजेट में हमें गंदा सा एयरक्राफ्ट मिलेगा, दिस इज अ इंटरनेशनल फ्लाइट भाई, फ्री में मिल गई. दिस इज गोना बी क्रूड ग्रेट एंड गुड, एक साथ बोल दिया मैंने सॉरी. यार आई डोंट नो मैं कैसे एक्सप्रेस करूं बट दिल्ली फील्स सो गुड एंड देयर इज अ कैब एंड दैट्स बाय बाय टू यू IGI. इतना अजीब सा लॉल हुआ है ना, हमने ना ऐसे ही मम्मी को कॉल करके बोल दिया कि अभी तो देर लगेगी और हम घर के नीचे ही है, फिर इसको लगा के दरवाजा बंद है तो खुलवाना पड़ेगा, तो फिर कॉल की, उतने में से खोल के पूछ दिया वो खुल गया एंड नाउ आई हैव टू मेक कॉन्वर्सेशन कि हाँ मम्मी अभी ऐसा है, दूर है, खाने में क्या है ये करके एंड नाउ शी इज लाइक कि तुम कहाँ गए हो इतनी देर से, अभी देखिए हम जाएंगे ना यही बोलेगी वो. अरे कहना क्या चाहते हो, बट दिस फील्स सो गुड यार, दिस इज होम, हाँ बट डेली आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. सोची क्या IGI पे ही लग गया था, सोची यार मतलब ऐसा सुकून सा मिल रहा है मेरे को दिल में. बस अंदर से लॉक ना कर रखा हो. वाओ यार अरे झूठ बोला तुमने. So I had to blur it क्योंकि मम्मी एकदम सुबह सुबह सो के उठी थी and she did not want to be seen like that. But I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो please like, comment, share and subscribe. I will see you next time with a new video जो probably दुबई के vlogs होने वाले हैं. Although I am thinking कि Taylor Swift की album आ रही है तो मुझे उस पर कुछ करना चाहिए. So let me know in comments below if you want that and I'll see you next time with a new video. Bye bye.